साथियों, यहाँ पर ये सीरीज एलसी सर्किट का सर्किट डायग्राम है। इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं और इसको हम 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो इस सर्किट का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला जाता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc इज इक्वल टू 1/2 × 3.14 × 15 × 10⁻⁶ इज इक्वल 212.3 ओम्स होगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद में एक्सएल जो है इस इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है 2πfL। इसमें 2 × π की वैल्यू 3.14, एफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, × L की वैल्यू 0.5, यहाँ पर 157 ओम आ जाता है। इसके बाद में हम इसका इम्पीडेंस निकालेंगे। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में R² प्लस ब्रैकेट में XC - XL का होल स्क्वायर। फिर इसमें हम इसकी वैल्यूज रखेंगे, अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 212.3 माइनस 157 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 55.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 114.27 आ गया। मतलब इम्पीडेंस जो है हमारा आ गया 114.27 ओम। मतलब ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर तीनों का इफेक्टिव इम्पीडेंस जो आ रहा है वो 114.27 ओम आ रहा है। इस तरह के बाद में हम करंट निकालने के लिए I = V/Z यूज करेंगे। इसमें ये 230/114.27 लेंगे तो इससे आ जाएगा वैल्यू 2.01 एम्पीयर। कॉस फाइव के लिए कॉस फाइव R/Z इज इक्वल टू 100 आर ओम्स इसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 114.27 ओम्स इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.875। सो कॉस फाइव मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.875 आ गया। इससे हम फाइव की वैल्यू निकालेंगे, फाइव इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.875 इज इक्वल टू 29 डिग्री। अब हमारे को वेक्टर डायग्राम बनाना है। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस निकालेंगे। तो VL इज इक्वल टू I × XL होता है। इसमें I की वैल्यू 2 एम्पियर मल्टीप्लाई 157, XL की वैल्यू 315.57 वोल्ट आएगा। इस तरह से VC इज इक्वल टू I × XC, I इज इक्वल टू VC 2.01 एम्पियर करंट × 212.3 इसका XC की वैल्यू है। तो ये जाएगा 426.7 वोल्टेज। और VR इज इक्वल टू I × R इज इक्वल टू 2.01 × 100 = 200 वोल्ट। अब यहाँ से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस में हमारा ये 200 वोल्ट आ गया, कि इंडक्टेंस के क्रॉस में ये 315.5 वोल्ट आया और कैपेसिटर के क्रॉस में 426 वोल्ट आ गया। इसका अब हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए करंट वेक्टर को रेफरेंस वेक्टर लेते हैं। तो ये करंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 2 एम्पीयर है करंट I इज इक्वल टू। अब करंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही VR होगा जो कि 200 वोल्ट है, VR वेक्टर। इसके अलावा करंट से लीडिंग डायरेक्शन में VC की वैल्यू होगी, ये VC वेक्टर है 426.7 वोल्ट है। और लैगिंग डायरेक्शन में आपका ये लीडिंग डायरेक्शन में VL की वैल्यू होगी 315.57 और ये है लैगिंग डायरेक्शन। अब इसके बाद में हमको जब रिजल्टेंट निकालना है तो हम इस VC वाला बड़ा वेक्टर है इसमें से VL वेक्टर को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा यहाँ पर ये VC - VL इज इक्वल टू 112 वोल्ट। और ये 112 वोल्ट इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये वोल्टेज वेक्टर आएगा जो कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज है V = 230 वोल्ट। यहाँ पर हमारा अप्लाइड वोल्टेज V = 230 वोल्ट है। यहाँ पर हमारी करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर है और ये एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 29 डिग्री है। इससे हम पावर फैक्टर कॉस फाइव निकालेंगे तो कॉस फाइव यह कॉस 29 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे जो कि 0.875 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीरीज एलसी सर्किट में ये वोल्टेज से करंट अभी लीडिंग डायरेक्शन में है। क्यों लीडिंग डायरेक्शन में है? क्योंकि XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है। अगर XC की वैल्यू XL से कम होगी तो करंट जो है लैगिंग डायरेक्शन में जाएगी। तो ये वोल्टेज का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये, तो करंट अभी लीडिंग डायरेक्शन है। इससे एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग होता है। तो करंट की अपेक्षा ये वोल्टेज जो है लैगिंग में है, करंट लीडिंग में है।
तो इस तरह से हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। इसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।